नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डाल रहे हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत में F-16 लड़ाकू विमान बनाना चाहती है अमेरिकन कंपनी। अमेरिका की प्रमुख रक्षा उपकरण कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि उसने अपने युद्धक विमान F-16 के अत्याधुनिक संस्करण F-16 ब्लॉक 70 की विनिर्माण सुविधा टेक्सास से भारत स्थानांतरित करने की पेशकश की है। उसका इरादा भारत से ही इन विमानों की स्थानीय और वैश्विक मांग को पूरा करना है। लॉकहीड मार्टिन के पास F-16 ब्लॉक 70 विमान की अभी केवल एक ही उत्पादन लाइन है। हालांकि भारत के लिए की गई पेशकश के साथ शर्त रखी गई है कि वह भारतीय वायुसेना के लिए इन विमानों का चयन करें। कंपनी के F-16 कारोबार के प्रभारी रेडर एल हवॉर्ड ने कहा कि हमने भारत के सामने जो प्रस्ताव रखा है वह बेजोड़ है, हमने ऐसा प्रस्ताव कभी भी किसी के सामने नहीं रखा। लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि उनकी कंपनी चाहती है कि F-16 ब्लॉक 70 विमान का भारत में भारत के लिए निर्माण हो और यहीं से उसका दुनिया में निर्यात किया जाए। SP सलविंदर सिंह के खिलाफ बलात्कार का मामला। पंजाब के विवादित पुलिस अधिकारी सलविंदर सिंह के खिलाफ पुलिस बल की 5 महिलाओं का कथित यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है। फरार चल रहे सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दल रवाना किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की यौन उत्पीड़न मामलों की समिति ने 5 महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जवाब देने के लिए सिंह को समन दिया था। पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी सिंह को समिति अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक गुरप्रीत देव के समक्ष शुक्रवार को उपस्थित होने को कहा गया है। 5 महिलाओं ने इस संबंध में पिछले महीने शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा ने कहा दलितों पर घड़ियाली आंसू बहा रही है मायावती। बसपा अध्यक्ष मायावती पर पलटवार करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि वह दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति करने की इच्छुक है और उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध के कई मामले हुए, लेकिन मायावती उन परिवारों के घर नहीं गई। मायावती ऊना में दलितों की पिटाई के पीड़ितों के परिवार के यहाँ गई थी और भाजपा पर निशाना साधा था। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनके दोहरे मापदंड है। जब वह सत्ता में थी तो दलितों के खिलाफ अत्याचार के 30,000 से अधिक मामले सामने आए। कन्नौज में एक दलित परिवार को कुचल दिया गया और पुलिस गोलीबारी में एक व्यक्ति मारा गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वह घड़ियाली आंसू बहा रही है।